दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मधुमेह एक बहुत ही आम बीमारी बन चुकी है और लाखों लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इसका कारण अनुवांशिक हो सकता है, लेकिन यह खराब जीवन शैली और अस्वास्थ्यकर आहार के कारण भी हो सकता है। मधुमेह के रोगियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो और भी कई बीमारियां होने का खतरा है। आइए जानें कि ऐसी कौन सी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकती हैं। दोस्तों आइए जानते हैं सदाबहार पौधे के फायदों के बारे में। सदाबहार पौधे मधुमेह के दुश्मन हैं। ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आपको महंगी दवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ घरेलू और प्राकृतिक उपचारों से वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में सदाबहार फूलों की पत्तियां आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। सदाबहार औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। सदाबहार पौधे का उपयोग सदियों से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता रहा है। मधुमेह ही नहीं बल्कि यह गले में खराश, ल्यूकेमिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए भी एक हर्बल उपचार है। इस पौधे में एल्कलॉइड और टेनिन जैसे महत्वपूर्ण यौगिक पाए जाते हैं। इसके अलावा इस पौधे में 100 से ज़्यादा एल्कलॉइड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रहता है। सदाबहार मूल रूप से मेडागास्कर के अफ्रीकी द्वीप में पैदा होता है, लेकिन यह भारत में भी आसानी से मिल जाता है। इसके गुलाबी और सफ़ेद फूल देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। यही वजह है कि कई लोग इन्हें सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके हरे पत्ते टाइप 2 मधुमेह रोगियों के लिए प्राकृतिक औषधि का काम करते हैं। यह रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ने नहीं देता है और इस प्रकार मधुमेह रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार करता है। दोस्तों आइए जानते हैं सदाबहार का उपयोग कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले सदाबहार के पत्तों को धूप में सुखा लें और फिर उन्हें पीसकर एयर टाइट बोतल में भर कर रख लें। इस चूर्ण को रोज़ाना पानी या ताजे फलों के रस में मिलाकर सेवन करें। आप चाहें तो रोज़ाना 2 से 4 पत्ते चबा सकते हैं। इसके गुलाबी फूलों में एंटी डायबिटिक गुण भी होते हैं। इन फूलों को 1 कप पानी में उबालें और फिर इन्हें छलनी से छान लें। अब इस पानी को रोज़ सुबह खाली पेट पिएं। इससे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।